नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मेरे गार्डन एरिया की अपडेट दिखाऊंगा, क्या चल रहा है, कैसे प्लांट है और सर्दियों का इन पर क्या इफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारी पानी की टैंकी है इसके पास के जो प्लांट है उन पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो सर्दियों की वजह से देखिए जो इनके पत्ते हैं वो जल गए हैं ऊपर के, लेकिन क्योंकि ये सिंगोनियम है बहुत ही बेस्ट प्लांट है, मेरे यहाँ पर देखिए पानी खड़ा रहता है फिर भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता और बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई हो गया है। देख कितने फैल गए हैं, ये पूरा इस एरिया को इसने कवर कर लिया है। और यहाँ पे जो स्नेक प्लांट है वो भी देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। यहाँ से मैंने कुछ स्नेक प्लांट निकाल भी लिए हैं। ये एरिया जो है ये मेरा ग्रोइंग एरिया है, सबसे बेस्ट है यहाँ पे कटिंग वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की नमी बनी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो लाइनिंग वाला जो स्नेक प्लांट है वो है, ये एक प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया था और इसमें देखिए इसके जो बेबी प्लांट है वो भी ग्रो कर रहे हैं। और इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लीली के आपको कुछ प्लांट दिखेंगे, जो कि लीली के मैं बल्ब लगाए थे। तो यहाँ पे क्या मैंने एक दो बल्ब लगाए थे लेकिन ये मल्टीप्लाई हो गए हैं और यहाँ पे काफी प्लांट हो गए। यहाँ पे प्लांट मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इजीली मल्टीप्लाई होते हैं। ये जो पॉट के अंदर एक मैंगो ट्री है आपको याद होगा हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, और बाकी यहाँ पे जितनी भी वेल है ये सिंगोनियम की है। ये एक एयर लेयरिंग से हमने कैजुरिन है वो तैयार किया था, वहाँ पे एक फाइकस है। इसके आगे आप यहाँ पे देखिए एक सिंगोनियम जो है पिंक कलर का, ये मैंने कटिंग से लगाया था। इसके जो मदर प्लांट है वो उस साइड है वहाँ पे उधर कोने में है, तो वहीं से निकाल के मैंने ये यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारे जो कालंचू है वो है, और ये सर्दी की वजह से देखिए किस तरह से जल गए हैं। तो मेरे पास ढेर सारे कालंचू है और भी दिखाऊंगा आपको। ये हमने एयर लेयरिंग से जो चाइनीज एल्म तैयार की थी वो है, ये एयर लेयरिंग से हमने जो कैजुरिन है बोनसाई के लिए वो तैयार किया था वो है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो कालंचू है इनमें फ्लोरिंग होने वाली है। ये गुलदावरी है जिनपे फूल आ चुके हैं, तो ऊपर का पार्ट जो मैंने रिमूव कर दिया इनका। यहाँ पे फाइकस है, फाइकस टाइगर बार। यहाँ पे कुछ गुलदावरी है जो कि खिल चुकी है, मेरे पास काफ़ी कलर की गुलदावरी है, एक कलर ये है और बाकी कलर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे ये सारे फाइकस जो है कटिंग से तैयार किए हुए हैं ये देखिए, और ये हमारी जो कृष्ण कमल बेल है वो है। यहाँ पे अगर बैक साइड देखें तो ये कैंडुला के जो सीड्स हमने लगाए थे वो है, तो ये मैंने कुछ ज़मीन में लगाए थे कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ गुलदावरी के साथ में ये आपको जो पॉली बैग में दिख रहे हैं ये सारे हमने कटिंग से तैयार किए थे बोनसाई के लिए, तो इन पे कुछ पे मैंने वायरिंग करके इनको शेप दे रखी है और कुछ को अभी शेप देना बाकी है। अभी हम जो इनको पॉट्स में शिफ्ट करेंगे और यही प्लांट जो है मैं सेलिंग के लिए हमारे स्टोर पर डाल दूंगा, ऑनलाइन स्टोर पर। तो आप में से अगर किसी को बोनसाई बनाना है तो आप इस तरह के प्लांट जो है वो हमारे स्टोर से ले सकेंगे। ये एक फाइकस का है जो हमने इसी बार जो है एयर लेयरिंग से तैयार किया था, देखिए कितना बड़ा है। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो ये जितने प्लांट आपको दिखे सारे लीली के हैं, अलग अलग वैरायटी लीली की लगी हुई है। और इस लाइन में भी जो है कैंडुला मैंने बीच बीच में लगा रखे हैं, साथ में बीच बीच में आपको छोटे छोटे जो है फाइकस के भी दिख जाएंगे। एक बड़ा फाइकस का ये जो एयर लेयरिंग से तैयार किया था और एक एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ फाइकस वो रहा। और यहाँ पर जो है कुछ कालंचू आपको दिख रहे होंगे, ये कालंचू है सारे। ये हमारी बुगनवेल है, इसकी फ्लोवरिंग का टाइम खत्म हो चुका है, फूल इस पर आ चुके हैं। कुछ गुलदावरी के फूल यहाँ पे भी है, ये देखिए अलग अलग कलर के हैं और थोड़े से वाइट कलर के भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा अगेव का प्लांट है, आपको याद होगा एक प्लास्टिक के पॉट में था और मैंने इसको निकाल कर यहाँ पे इसी तरह से डाला हुआ है काफ़ी टाइम से, यानी कि पता नहीं महीना हुआ है, एक दो महीना हुआ है ऐसे ही। तो देखिए इसके जो बेबी प्लांट्स है कितने साइडों में ग्रो कर रहे हैं। कुछ देखिए यहाँ पे जो फाइकसी कटिंग है वो हमने लगा रखी है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऐसा एरिया दिख रहा है बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अमरूद के सीड्स डाले थे जो कि ग्रो कर गए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये अमरूद है, ये प्लांट देखिए, इसके साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी अमरूद है, यहाँ पे देखिए ये ढेर सारे थे। यहाँ पे क्या है जब घास वगैरह हमने यहाँ से निकाली तब उसके साथ कुछ प्लांट्स तो निकल गए। और देखिए मैंने पॉली बैग में भी इनको शिफ्ट किया है, तो एक ये और एक ये, दो मैंने पॉली बैग में शिफ्ट कर दिए, बाकी जब थोड़े ग्रो करेंगे तो उनको भी पॉली बैग में शिफ्ट कर दूंगा। एक रास्ता ये है और एक रास्ता इस साइड है, तो इस रास्ते पर क्या क्या वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक गुलाब का प्लांट है हमारा काफ़ी पुराना, ये एक मैंने जो है पपीता लगा रखी है यहाँ पर, ये कि ऐसे घर का बीज था पता नहीं इस पर लगेगी या नहीं, लेकिन ये मैंने लगा दिए थे। एक अमरूद है जो हम नर्सरी से लेके आए थे L49 का है, ये इसकी छाया की वजह से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, होप अब गर्मियों में अच्छे से ग्रो कर पाएगा। यहाँ पे देखिए सारी जो है फाइकस की कटिंग है, इन सबको हम जो है पॉट में शिफ्ट करेंगे हमारे ऑनलाइन स्टोर के लिए। इस साइड देखिए गुलदावरी ये कैसे बिखरी हुई है, काफ़ी दूर तक प्लांट ये फैल गया है। ये हमारे चाइनीज एल्म के दो प्लांट है जो कटिंग से तैयार किए थे, एक वहाँ पे आगे है और ये मेन प्लांट है चाइनीज एल्म का।
और ये जो कटिंग्स है इसके अंदर जो आपको कटिंग दिख रही है एक्चुअली में क्या यहाँ पे अभी सफाई करनी है, यानी कि जैसे कि जो वो एरिया आपको साफ क्लीन दिख रहा है वैसे ये एरिया करना है। इसमें से जो घास वगैरह वो निकालेंगे और यहाँ पे कुछ नई कटिंग्स लगाएंगे। इस एरिया में कटिंग्स जो लग रही है ये सारी कटिंग्स जो है फाइकस की है, कुछ में फाइकस पांडा भी है, फाइकस टाइगर बार्क भी है, तो इस तरह से ये मिक्स है। दोस्तों ये मेरा कैजुरिन है, इसकी वैरायटी जो है अलग है, ये बोनसाई के लिए स्पेशल है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मैंने ज़मीन में लगा रखा है, लेकिन इसकी शेप ऑटोमेटिक बोनसाई जैसी बन जाती है, तो इसका अगर हम बोनसाई स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो इसकी भी मैंने कुछ हेयर लेयरिंग से कुछ प्लांट तैयार कर रखे हैं। इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फाइकस की कटिंग जो हमने लगा रखी है। ये देखिए आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये सारी जो कटिंग है ये हमने जो फाइकस की है ये बोनसाई के लिए बेस्ट है। अगर आप बिगिनर है बोनसाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। अभी क्या है, मैं इनको ज़मीन से निकालूंगा, इन सब का हाइट भी लगभग सेम है और इनको मैं पॉट में शिफ्ट कर दूंगा अभी पॉली हाउस में और चलते हैं। उसके बाद मैं आपको हमारा वेजिटेबल का जो एरिया है जहाँ पे वेजिटेबल्स लगा रखे हैं वो दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी कटिंग्स हमने लगा रखी है फाइकस की। ये देखिए ये सारी फाइकस की है, पॉलीबैग के अंदर है। ये हमारे पपीता है जिसके पत्ते जो है लगभग सारे जल चुके हैं, नए पत्ते इसमें स्टार्ट होंगे। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक हमारा आपको याद होगा आड़ू का प्लांट हुआ करता था जो कि लास्ट टाइम मरने वाला था, लेकिन हमने उसको बचाया था, लेकिन वो अच्छे से नहीं बच पाया था और वो क्या ना तो ग्रो कर रहा था, सूखता जा रहा था धीरे धीरे। तो मैंने उसको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ उसका रिजल्ट कैसा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट किया था और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो होप ये प्लांट हमारा बच जाए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने इसके अंदर जो फंजीसाइड जो है साफ फंजीसाइड वो यूज़ की है, तो उसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हमारा चेरी का प्लांट है और होप इसमें चेरी लग जानी चाहिए इस बार। वैसे तो इसको एक साल भी नहीं हुआ यहाँ पे लगाए हुए, लेकिन काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब इस सर्दियों में इसके पत्ते जो है वो ख़राब हो गए हैं सर्दी की वजह से, लेकिन ये रीग्रो हो जाएगा फरवरी के अंदर। पॉली हाउस का दिखाता हूँ मैं, पॉली हाउस को अभी मैंने क्लीन किया था। पॉली हाउस के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो ऊपर है हमारी बेल है अंगूर की, इसमें दो बेल है। ये बेल जो है ये ब्लैक वाले अंगूर जो होते हैं वो ये अच्छे नहीं है, इसमें बीज मोटे हैं। और ये है हमारी देसी हरे अंगूर वाली, तो ये बेल अच्छी है। ये इतनी अच्छे से ग्रो क्यों कर रही है इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे देखिए यहाँ पे मैंने पत्तियों की खाद है वो तैयार कर रखी है और यहाँ पे क्या पानी इजीली आता है, क्योंकि उस साइड से जब भी पानी आता है तो यहाँ पे तो पानी की नमी रहती है, जिसकी वजह से ये वाली बेल जो है ईजिली ग्रो कर रही है। उस बेल को कभी बेचारे को पानी वगैरह मिला नहीं है, कभी बारिश वगैरह हुई तो ही पानी मिला है, स्पेशली इसको कभी पानी इतना मिला नहीं, तो इस वजह से ये थोड़ी कमज़ोर है। यहाँ पे देखिए ये सारे मेरे कालंचो हैं जो कि एक मदर प्लांट की तरह इन्होंने मैंने इनको रखा हुआ है, और इनमें से कुछ कटिंग जो मैंने तैयार की थी तो आपको मैं दिखाता हूँ कि नर्सरी में क्यों छोटे से प्लांट पर ही फूल आ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले इसकी कटिंग लगाई थी, आई थिंक मैंने इसकी स्टोरी भी डाली थी, और देखिए इस पर जो फूल है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो नर्सरी में ऐसे ही करते हैं, जब फ्लोरिंग स्टार्ट होने से पहले लगाते हैं और उसमें जो फूल है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इस तरह के प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, तो इस पे देखिए फूल आने वाले हैं। ये ट्रे है, ट्रे के अंदर मैंने कुछ सीड्स ट्राई किए हैं, देखते हैं कब तक जर्मिनेट होते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ही है इसलिए मैंने इसको पॉलीथीन से कवर कर रखा है। और ये कुछ प्लांट हमने जो है एज ए बोनसाई के लिए मैंने लगाए हैं। ये एक्चुअली में क्या है, हेज के प्लांट है, तो किसी ने जो है अपने घर के बाहर हेज के प्लांट थे उन्होंने निकाल के फेंक दिए थे, तो मैंने वहाँ से उठाए और उनको इन पॉली बैग में लगाकर शिफ्ट कर दिया। अगर ग्रो हो गए तो अच्छी बात है। इसमें देखिए ये वाला जो प्लांट है ये तो अभी भी ग्रीन है, इसमें कुछ पत्तियाँ भी नई आनी स्टार्ट हो गई है। गर्मियों के वेजिटेबल्स अभी हमने लगाई नहीं है, वो जब लगाएंगे तो आपको वीडियो उसका भी दिखा देंगे बना के। ये हमारे गेहूँ है, देखिए गेहूँ की खेती काफ़ी अच्छे से हो रही है, ग्रीन है पूरे। तो ये जो एरिया थोड़ा सा ही हमने सब्जी के लिए रखा हुआ है, ये जो है ये जो भैंस होती है उसको खाने के काम आता है, इसको बोलते हैं कासनी। और उससे आगे का जो ये कैरी है इसके अंदर देखिए गाजर है, गाजर की जो कैरी है एक्चुअली में इसको गाजर के लिए यूज़ नहीं करते हम, इसकी जो पत्तियाँ हैं इसको कट करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो यहाँ से कट की हुई है। और इससे क्या है, एक जो लस्सी होती है गाँव में, लस्सी के साथ मिलाकर इसको एक साग बनाते हैं जिसको यहाँ पे बोलते हैं खाटे का साग, तो वो काफ़ी टेस्टी होता है। तो उसी के लिए एक क्यारी हम ये लगा देते हैं, बाद में इसमें जो है गाजर भी बनती है, लेकिन गाजर इतनी अच्छी नहीं रहती क्योंकि इसके पत्ते काटते रहते हैं इस वजह से। ये पालक की क्यारी है जो कि पालक जो है कटा हुआ है, और ये साइडों में जो क्यारी है वो भैंस का जो चारा मैंने बताया था वही है। और ये धनिया है पूरा, और भी धनिया लगाया नया वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये तीन लाइनें बनाई है जिसके अंदर जो साइडों में तो है लहसुन लगा रखी है और बीच में जो है धनिया लगा रखा है,
और इसके आगे की जो क्यारी है छोटी सी, उसमें भी पालक लगा हुआ है। ये हमारा बोटल ब्रश का है जिसमें गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया था ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन ये फिर से ग्रो कर गया है, इसमें फूल आएंगे गर्मियों में। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो सिर्फ इतने रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। फिर कभी मैं आपको मेरे छत पे रखे जो प्लांट्स बोनसाई वगैरह है वो सारे फिर कभी एक वीडियो में दिखाऊंगा। और अभी थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा इस मंथ में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फरवरी के मंथ से जो है हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, गार्डनर के लिए काफ़ी काम होते हैं तो वो काम करने होते हैं। जैसे कि ये जो सारा एरिया है मुझे यहाँ पर सफाई करनी है अच्छे से, और जो प्लांट्स है उनको शिफ्ट करना है, जो कटिंग्स वगैरह मैंने लगा रखी है वहाँ पर उनको पॉट में शिफ्ट करेंगे और नई कटिंग जो है यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ओके दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो से लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।